एक घने जंगल में एक बहुत ही घमंडी हाथी रहता है, क्योंकि उसको अपने बड़े शरीर और ताकत का बहुत घमंड रहता, तो वो कभी पेड़ को उखाड़ फेंकता, तो कभी चिड़ियों का घोंसला गिरा देता, तो कभी बंदर को उठाकर पटक देता, तो कभी किसी जानवर को अपने पैर के तले रौंद देता है। एक दिन जब वो तालाब से पानी पीकर लौट रहा था, देखा कि चींटी अपने लिए खाना बटोर रही हैं और घर बना रही हैं। वो गया और अपने हाथ सूंड से हवा भरकर उनके ऊपर फूंक दिया। इस प्रकार उनका घर बिगड़ जाता है। तो उन कुछ चींटी तो डर के मारे चुप रहते, लेकिन एक को बहुत गुस्सा आता और बोलती है, तूने क्या कर दिया। तो हाथी घमंड में बोलता है, ये पिद्दी तू क्या कर सकती है, अभी तुझे यहीं रौंद दूंगा। तो उस समय चींटी शांत हो जाती है। और एक दिन जब हाथी पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, वो उतर कर उसके सूंड में घुस जाती है, उसको जोर जोर से काटती है। हाथी झटपटा के चीखने चिल्लाने, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। तभी वो बोलती है कि मैं वही चींटी हूँ जिसका तूने घर बिगाड़ा था। इस प्रकार वो बहुत जोर जोर से चीखता चिल्लाता है, वो बहुत तेज काटती और बेहाल होकर जमीन में गिर जाता। और चींटी से माफ़ी मांगता है कि दोबारा मैं ऐसे नहीं करूँगा, मेरे से